हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्राम टू चेक द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर अदर ईयर से डिफरेंट होता है क्योंकि इस ईयर में 366 डेज होते हैं 365 के जगह पे। लीप ईयर हर चार साल में एक बार आता है और इस बार फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं। इस एक एडिशनल डे के कारण से हमारा ये ईयर लीप ईयर कहलाता है। कुछ लीप ईयर के एग्जांपल हैं 1600, 1988, 1992, 1996 एंड 2000। लेकिन जो हमारे सेंचुरी ईयर्स होते हैं वो लीप ईयर नहीं होते हैं, जैसे कि 1700, 1800 एंड 1900। तो चलिए अब लॉजिक देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इस प्रोग्राम को जनरली हम करते क्या हैं, हम ईयर को मॉडुलस 4 कैलकुलेट करते हैं और अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तब हम ये कहते हैं कि ये लीप ईयर है। लेकिन इसमें कंडीशन हमारे दो होते हैं। पहली कंडीशन ये है कि लीप ईयर हमारा डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, इट मीन्स ईयर मॉड 4 इज इक्वल्स टू की वैल्यू 0 आनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है ईयर इज डिविजिबल बाय 400 और नॉट डिविजिबल बाय 100, इट मीन्स ईयर मॉड 400 इज इक्वल्स टू 0। और गेट का हम सिंबल लगाएंगे एंड लिखेंगे ईयर मॉड 100 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों कंडीशन हमको एंड के थ्रू ऐड करना होगा। अगर ये दोनों की वैल्यू 1 आती है, इट मीन्स डिविजिबल बाय 4 की वैल्यू 1 आती है, और ये जो दूसरी कंडीशन है डिविजिबल बाय 400 और डिविजिबल बाय 100, इसकी पूरी वैल्यू हमारी अगर 1 आती है देन ये हमारा लीप ईयर होगा, अदरवाइज ये लीप ईयर हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एंड गेट का यूज करेंगे इन दोनों को ऐड करने के लिए। एंड जो सेकेंड हमारा कंडीशन है, इसके अंदर जो हमारे दो कंडीशन है इसको, इसके लिए हम और गेट का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम सी प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिख लिया है, मेन फंक्शन लिख लिया है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ईयर लिया है, ईयर को इंटर करा लिया, यहाँ पे ईयर इंटर हो गया। इसके बाद देखिए इफ के अंदर फिर हमने कंडीशन लिखा है ईयर मॉड 4 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये हमारी पहली कंडीशन है। फिर दूसरी कंडीशन हमारी ये है, ये हमारे दो कंडीशन का कॉम्बिनेशन है। पहला कंडीशन है ईयर मॉड 400 इक्वल टू 0 और ईयर मॉड 100 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और इसके साथ इसका हम एंड करेंगे, इट मीन्स ये भी और ये भी जब दोनों हमारे कंडीशन ट्रू होंगे देन ये हमारा प्रिंट कर देगा ईयर इज अ लीप ईयर। अदरवाइज अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फेल कर जाती है तो ये हमारा हो जाएगा ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो चलिए प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम इंटर करते हैं 1600 हमारा लीप ईयर है, देखिए लिख करके आ गया। अब इंटर करते हैं हम एक सेंचुरी ईयर, यहाँ पे सेंचुरी ईयर 1700 हमारा लीप ईयर नहीं होता है, ये देखिए लिख करके आ गया नॉट अ लीप ईयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।